दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं दीपक कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज के मंदसौर मंडी की लहसुन की आवक देख लेते हैं कैसी आवक रही है। तो दोस्तों लहसुन की बात करें तो लगभग प्रांगण के अंदर 14-15 हज़ार और बाहर सब आवक मिलाकर लगभग 18 हज़ार के आसपास टोटल आवक बन जाएगी और भी बढ़ सकती है आवक, मगर हाल फिलहाल तक तो इतनी आवक है। तो कुल मिलाकर प्रांगण के अंदर और बाहर दोनों साइड मिलाकर आवक लगभग 18 हज़ार कट्टों के आसपास लहसुन की आज आवक देखने को मिल रही है। और पीपलिया मंडी की बात करें तो दोस्तों पीपलिया मंडी के अंतर्गत भी लगभग 12 से 13 हज़ार बोरी जो प्रांगण के अंदर और प्रांगण के बाहर जो वाहन है उन सबको मिलाकर लगभग 12 से 13 हज़ार बोरी की पीपलिया मंडी में भी आवक है। तो लगभग दोनों जगह आवक बंपर है। और एक विशेष सूचना दे दूँ, आज पीपलिया मंडी में नीलामी का कार्य 12 बजे से शुरू होगा। जी हाँ, 12 बजे से नीलामी का कार्य चालू होगा। तो आपसे निवेदन है आज अपना ध्यान रखें, नीलाम 12 बजे से होगा और मंदसौर मंडी में नीलामी का कार्य 12:30 बजे से होगा। तो लहसुन का नीलामी का समय 12:30 बजे रहेगा और सभी जिन्सों का, और पीपलिया मंडी में 12 बजे से रहेगा। तो दोस्तों आज नीलाम जल्दी नहीं चलेगा, आज नीलाम लेट चलेगा, वो भी सूचना मैं आपको दे देता हूँ। लहसुन का नीलाम 12:30 बजे से मंदसौर मंडी में, सभी जिन्सों का लहसुन के साथ साथ सभी जिन्सों का नीलाम 12:30 बजे, और पीपलिया मंडी में भी सभी जिन्सों का लहसुन के साथ साथ सभी जिन्सों का नीलाम 12 बजे से रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और विशेष बात दोस्तों, मंदसौर मंडी से और पीपलिया मंडी से नीमच मंडी के बाजार लगभग 500 रुपये से ज़्यादा ही ऊपर बिक रहा है, कुछ कुछ लोट तो और अधिक। तो नीमच मंडी में कुछ दाम वहाँ से अधिक मिल रहा है, ये बात तो 100% पक्की है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। दोस्तों ये उज्जैन मंडी से आए हैं लहसुन लेकर अपनी, और अच्छे भाव के कारण मंडियों में आवकें बढ़ रही है।